शीतलाष्टमी पर लोगों को समूल नशा की इस कामना से नमामि गंगे ने उतारी सिद्धपीठ माता शीतला की आरती। जी आपको बता दें खबर वाराणसी से, जहां रोगों का निवारण करने वाली माता शीतला की शीतलाष्टमी के पावन पर्व मंगलवार को नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ माता शीतला की आरती उतारी। माता शीतला को भोग प्रसाद अर्पित कर रोगों को समूल नशा के लिए याचना की, वहीं बच्चों की दीर्घायु और आरोग्य जीवन के लिए गुहार लगाई। दशाश्वमेध घाट पे शीतला पूजन के लिए उपस्थित लोगों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित किया गया। माता शीतला मंदिर के आसपास परिनिर्माल्य की सफाई करके स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। नमामि गंगे टीम ने गंगा तट और शीतला मंदिर प्रांगण में इधर उधर बिखरे पड़े पॉलिथीन को समेट कर कूड़ेदान में डाला। वहीं संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि माँ शीतला रोगों का निवारण करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। आज शीतला अष्टमी का पावन दिन है और माता शीतला सभी रोगों के विनाश का कार्य करने में सक्षम है। आज हमने बड़ी सिद्धपीठ माता शीतला जी की आरती उतार करके बच्चों के, अपने जो पुत्र हैं उनके दीर्घायु की कामना की है, उनको रोगों से दूर करने की कामना की है। और माता शीतला, उनके हाथों में आप देखेंगे सूप है, उनके हाथों में झाड़ू होता है, कलश है, नीम है, यह सभी स्वच्छता के सूचक हैं। और माता शीतला भी हमें स्वच्छता का ही की प्रेरणा देती हैं। तो हमने माता शीतला के इस पवित्र धाम में अपनी टीम के साथ मिलकर साफ सफाई की है और माता शीतला की आरती उतार कर पूरे भारतवर्ष के लिए आरोग्य भारत की कामना की है, बच्चों के लिए दीर्घायु की कामना की है, भारत की समृद्धि की कामना की है और पर्यावरण संरक्षण की कामना की है। माता शीतला स्वच्छता बनाए रखने में हम लोगों को सहयोग प्रदान करें, हम लोगों को आशीर्वाद दें। आज माता शीतला की अष्टमी पर नमामि गंगे की ओर से यही कामना है कि हम स्वच्छता की ओर अग्रसर होते जाएं और बीमारी से बचते जाएं।